गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, सेंस ऑफ एनिमल्स। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट अवर सेंस ऑर्गन। एज वी नो दैट अवर सेंस ऑर्गन्स आर आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। वी ऑल हैव सेंस ऑर्गन। आईज हेल्प अस इन sense of sight, ears sense of hearing, nose sense of smell, skin sense of touch, and tongue in sense of taste. So in this chapter we will study about our sense of organs, and in this chapter we will study about sense of animals. In our previous chapter, chapter number 1, we have studied about our sense organ, and this chapter we will study about sense of animals. Okay, now let's start warm up activity. The name of some animals are given below, write beside each of them whether you like them or not. Also write one reason why you like them or do not like them. ये जो वार्म अप एक्टिविटी है ये आपको खुद फिल करनी है। इसमें क्या दिया हुआ है, एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं। राइट बिसाइड ईच ऑफ देम वेदर यू लाइक देम और नॉट, हमें बताना है कि हम उन्हें लाइक करते हैं कि नहीं करते हैं। जस्ट लाइक डॉग, डॉग वी लाइक और नॉट, एवरीवन लाइक डॉग, नो, फ्यू पर्सन्स डू नॉट लाइक डॉग बिकॉज दे आर फ्रॉम स्केयर्ड, दे स्केयर्ड फ्रॉम डॉग। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको डॉग्स से डर लगता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको डॉग्स को पालना बहुत अच्छा लगता है। तो हमें क्या लिखना है, यह हमारा आंसर अब खुद का होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो येस आई लाइक इट बिकॉज, एंड राइट डाउन दी रीज़न जस्ट लाइक आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल। डॉग, येस आई लाइक इट बिकॉज इट हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। ऐसे हम एक भी अपने मन से आंसर लिख सकते हैं कि आपको क्यों पसंद है, क्यों नहीं पसंद है। अगर आपका आंसर येस है, अगर आपको कोई एनिमल पसंद है तो आगे हम लिखेंगे येस आई लाइक इट बिकॉज, उसके बाद उसका रीज़न। ओके, सो डू योर सेल्फ, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। एज यू नो अवर सेंस ऑर्गन हेल्प अस इन नोइंग अबाउट अवर सराउंडिंग। दे ट्रांसफर द मैसेजेस फ्रॉम द सेंसेस टू द ब्रेन। Only after receiving the messages from the sense organs, our brain decides what actions to take. Our sense organ help us in knowing our surroundings. हमारे sense organ हमारी help करते हैं। They transfer the messages from the senses to the brain. वो क्या करते हैं, message को transfer करते हैं हमारे brain पे, and then after our brain decide what action to take. Just like we have studied in chapter number 1 about brain and sense organs. So now I am giving you one example. Okay, what happens when we put our hands in a burning flame? We get hot and we quickly remove our hands. क्या होता है, जब अपन बर्निंग फ्लेम में, जलती हुई कैंडल में अगर अपन हाथ डालेंगे, अपनी फिंगर पुट करेंगे, तो हमें कैसा फील होगा, हॉट। हम तुरंत हाथ अपना पीछे कर लेंगे। तो एक इसकी हेल्प से हमारे ब्रेन की हेल्प से, हमारे सेंस ऑर्गन ने मैसेज दिया ब्रेन को, एंड ब्रेन ने ऑर्डर किया हमको। ओके, लाइक ह्यूमन बींग्स एनिमल्स टू हैव सेंस ऑर्गन्स। लाइक ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स की तरह एनिमल्स के पास भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं। दे हेल्प देम टू मूव। वो किस में हेल्प करते हैं, उनको मूव करने में, कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे से फूड फाइंड करने में, एंड एस्केप डेंजर, खतरे से बचने में। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, लेट अस सी हाउ डिफरेंट एनिमल्स यूज देयर सेंसेस टू सर्च और सेंस द प्रेजेंस ऑफ द फूड। हमारे जैसे कि सेंस ऑफ ऑर्गन्स कितने होते हैं, 5, आईज, नोज, ईयर्स, हैंड्स एंड टंग। सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ hearing. In this, first we will study about sense of vision. Vision, it is a power जिसे हम देख सकते हैं. There are some birds and insects that are blessed with a sharp sense of sight, such as eagles,
hawks, vultures and bees. ऐसे कुछ ऐसे birds हैं जिनको that they are blessed with sharp sense. उनकी जो देखने की power है बहुत अच्छी होती है, just like eagle, hawk, vulture and bees. ये जो एनिमल्स होते हैं ये अपने दूर से ही शिकारी को, अपने प्रे को मीन्स शिकार को पकड़ सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं. जस्ट लाइक ईगल कैन स्पॉट अ माउस इवन व्हेन दे फ्लाइंग इन द स्काई. वो क्या कर सकती है, ईगल फ्लाई कर रही है स्काई में, वो दूर से ही अपने प्रे को मीन्स पकड़ सकती है, शिकार को देख सकती है. These animals depend on their eyesight to find food, to find out their prey. Prey means शिकार. ये जो animals होते हैं depend होते हैं अपने eyesight पे, अपने prey को find out करने के लिए. Hawks and eagles can spot their prey from a long distance while flying in high in the sky. जैसे कि मैंने भी बताया, eagle fly करते time पे ही spot कर सकती है अपने prey को. मैं भी वही बताया गया, हॉक्स एंड ईगल्स कैन स्पॉट देयर प्रे फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस. लॉन्ग डिस्टेंस मीन्स इवन 5 or 6 kilometers. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. बीज एंड सम अदर इंसेक्ट्स हैव लार्ज कंपाउंड आईज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो आईज. बीज और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास लार्ज कंपाउंड आईज होती हैं जो किससे बनी है, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो आईज से. सच आईज आर वेरी यूजफुल एट स्पॉटिंग फास्ट मूवमेंट. मोस्ट ऑफ द बिग कार्निवोरस एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर, डॉग्स एंड वोल्व्स हैव ब्राइट आईज दैट हेल्प देम टू सी द प्रे इवन इन द डार्कनेस ऑफ नाइट. कुछ ऐसे कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जस्ट लाइक लायन, टाइगर, डॉग, वोल्व्स, इनकी क्या होती है, ब्राइट आइज होती है जो इन्हें हेल्प करती है उनके शिकार को कैच करने में, उनको देखने में, इवन इन डार्कनेस ऑफ द नाइट मीन्स रात के अंधेरे में भी. सिमिलरली द आउल्स हैव लार्ज आइज दैट अनेबल देम टू सी इन द डार्कनेस ऑफ नाइट. वैसे ही जो आउल होता है, उल्लू होता है, उसके पास लार्ज आइज होती हैं जो उसको हेल्प करती हैं डार्कनेस ऑफ द नाइट में देखने में, रात के अंधेरे में भी. Owls have large sensitive ears too. उसके पास बड़े बड़े sensitive ears हैं जो कि catch कर सकते हैं fastest sound को. Thus sharp ears. वैसे sharp ears and large eyes. Owl के जो sharp ears and जो large eyes होती है उसको help करती है to find out their prey even in the complete darkness. Complete darkness means पूरा अंधेरे में भी उसको हेल्प करती है उसको पकड़ने में, टू फाइंड देयर प्रे.